हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कॉइन मास्टर से आप कैसे गेमिंग की वीडियो, कोई भी गेमिंग की वीडियो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में एचडी क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो गाइस यार, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हर एक डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, सबसे पहले हम जो आपकी स्क्रीन पर प्लस का सिंबल दिख रहा है आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको 16:9 का रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही गाइस यार आप इसको सिलेक्ट करोगे आपकी स्क्रीन पे इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको जो भी वीडियो आपको एडिट करनी है आपको वो वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस यार, मैं पबजी लाइट का एक वीडियो सेलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद गाइस मैं बता दूँ, आप जैसे ही वीडियो पे क्लिक करोगे आपको टॉप राइट पे एक ऑप्शन है, जो राइट का ऑप्शन आएगा आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे ये वीडियो आ जाएगी जो भी आपको एडिटिंग करनी है। तो गाइस यार, जो पहला स्टेप है मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, सबसे पहला आपको क्या काम करना है, आपको वीडियो पे क्लिक करना है। जो आपको नीचे एक लेयर दिख रही है आपको वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, क्लिप ग्राफिक्स, स्पीड, रिवर्स, कैची का और ऑडियो का। तो गाइस यार, आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखता है एडजस्टमेंट। तो गाइस यार, सबसे पहले आपको वही ऑप्शन करना है एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपकी स्क्रीन पे इस टाइप के इंटरफेस आ जाएंगे, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन। तो गाइस यार, आपको इन्हीं तीन से आपको जो आपकी वीडियो है उसको एचडी क्वालिटी बनाता है। तो गाइस यार, इन्हीं ऑप्शन से आप आपकी वीडियो को एचडी क्वालिटी का कर सकते हो। तो गाइस यार, आपको ब्राइटनेस कम से कम 50 से 60 के बीच रख देनी है, कॉन्ट्रास्ट आपको 70 से 80 के बीच रख देना है, और उसके बाद सैचुरेशन आप 15 से 20 के बीच रख सकते हो। तो गाइस यार, आप देख सकते हो जो वीडियो की क्वालिटी अचानक चेंज हो चुकी है और काफ़ी मतलब एक अट्रैक्टिव वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ जाती है। जो आपका सेकंड काम है, अगर गाइस आपको ये एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन नहीं आता तो आप इस पर एक और मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जिससे आपकी वीडियो एचडी क्वालिटी में बन सकती है। तो गाइस यार, जस्ट आपको फिर से उसी वीडियो पे क्लिक करना है और आप जैसे ही यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपकी स्क्रीन पर एक ऑप्शन आएगा कलर फिल्टर का। तो गाइस यार, आपको कलर फिल्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यार, आपको बेसिक पे आना है क्योंकि गाइस यार बहुत सारे ऑप्शन है, बेसिक, वार्म, कोल्ड, विविड, लेकिन गाइस आपको बेसिक पर ही क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत शानदार कलर फिल्टर है जिससे आप आपकी वीडियो को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो गाइस यहाँ पे एक आपको कलर फिल्टर मिल जाएगा B09। तो गाइस यार, आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे जो आपकी वीडियो वाई अचानक से चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर आपको टॉप राइट पर एक राइट का ऑप्शन दिखता है पे आप क्लिक कर दोगे। तो गाइस यार, आप देख सकते हो वीडियो अचानक चेंज हो चुकी है। काफ़ी शानदार फिल्टर है, काफ़ी लोग इसका यूज करते हैं, मैं भी इस फिल्टर का यूज करता हूं, लेकिन अभी मैं इस फिल्टर को यहां से हटा रहा हूं क्योंकि आपको और दूसरे ऑप्शन भी आपको दिखाने वाला हूं। तो गाइस यार, आप इसका भी ऑप्शन कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, आपको फिर से वीडियो पर ही क्लिक करना है। यहाँ पर एक पहला ऑप्शन मिल जाता है सीजर का, जो आपकी कैची का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो गाइस यार, आपको आगे का पार्ट, जो आपका वीडियो का आगे का पार्ट को अगर आपको अलग करना है या हटाना है तो आपको पहले ऑप्शन पे ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड पे क्लिक कर देना है। देखिए गाइस, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ जो आगे का पार्ट है भाई पूरा हट चुका है। तो आप यहाँ दोगे तो आपका जो आगे का पार्ट है वो यहाँ से अलग हो जाएगा। तो गाइस यार, मैं फिर से आपको बता दूँ, आप इस सीजर से ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड। तो गाइस यार, आपको जो आगे का पार्ट होता है, जो पीछे का पार्ट आपने हटा दिया, जो आगे का पार्ट होता है राइट हैंड साइड का पार्ट होता है, अगर उसको हटाना है ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड का आप क्लिक करोगे, देख सकते हैं गाइस, तो आपका जो पूरा यहां पे हट चुका है। लेकिन गाइस यार, अभी मैं इसको बैक कर देता हूँ। तो गाइस यार, जो तीसरा ऑप्शन, अगर आपको वीडियो के बीच में कट करना है, अगर गाइस यार आपको जो पार्ट वीडियो के बीच से हटाना है तो आपको ये थर्ड ऑप्शन स्प्लिट एट प्ले हेड पे क्लिक कर देना है। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कट जाएगा आपको कितना पार्ट हटाना है। फिर से आप यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करोगे और उसी कैची का, जैसे आपको पीछे वाला हटाना है तो आपको लेफ्ट ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड पे क्लिक कर देना है। तो गाइस यार, यहाँ पे हट चुका है। तो गाइस यार, इस तरीके से आप वीडियो पे कट कर सकते हो, जो भी बेस्ट ऑफ वीडियो में जो आपको नहीं दिखाना है, जो आपको अलग करना है, आप इस ऑप्शन से अलग कर सकते हो। तो गाइस यार, मैंने ये तीन ऑप्शन आपको बताया जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद
बता रहा हूं, आपको एक ऑप्शन यहां पे मिल जाएगा लेयर। आप लेयर पे क्लिक करोगे तो यहां पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे मीडिया इफेक्ट, ओवरले, टेक्स्ट एंड हैंड राइटिंग। तो आपको मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे जैसे ही क्लिक करोगे, अगर आपको अलग से कुछ भी वीडियो के ऊपर लगाना है तो आप यहां से जस्ट लगा सकते हो। जैसे मैं काइन मास्टर का ही यहां पे लोगो इस वीडियो पे लगाना चाहता तो आप यहां पे कर दोगे। तो गाइस आप देख सकते हो यहां पे लग चुका है। अगर आप वीडियो के ऊपर कुछ भी लगाना चाहते हो तो आपको लेयर से मीडिया पे जाकर ही लगा पाओगे। तो गाइस यार इस तरीके से आप लेयर पे जाके मीडिया पे क्लिक करके इस फोटो के यहाँ पे वीडियो के ऊपर लगा सकते हो। उसके बाद गाइस यार जो आपका सेकंड ऑप्शन है इफेक्ट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इससे आप वीडियो को बीच में ब्लर कर सकते हो। दोनों ऑप्शन ब्लर करने के लिए, तो गाइस यार आप इस पे ऑप्शन को यूज करके ब्लर कर सकते हो। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कितना पार्ट आपको वीडियो को ब्लर करना है। तो गाइस यार मैं इतना पार्ट अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। आप जस्ट इसको ओके कर दोगे और जितने वीडियो पे आपको करना है यहाँ पे नीचे आप क्लिक करके यहाँ पे इंक्रीज करते जाओगे, वहाँ तक आपका ये वीडियो पे ब्लर हो जाएगा। देखिए गाइस मैं चला के दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस यार आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लर हो चुका है। तो जितना भी पार्ट आपको ब्लर करना है आप सिंपली यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद गाइस यार फिर से हम लेयर पे क्लिक करेंगे, ओवरले। ओवरले अगर आपको वीडियो के ऊपर लगानी तो आप लगा सकते हो, इतना कोई खास नहीं है। मैं समझता हूँ इसका यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद गाइस यार जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेस्ट का। तो आपको टेस्ट पे आपको जो भी लिखना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं लिख दे रहा हूँ सब्सक्राइब। तो गाइस यार सिंपली आप सब्सक्राइब यहाँ पे लिख दोगे और यहाँ से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। तो मैं यहां से फॉन्ट यहां पे लगा दे रहा हूं। सिंपली गाइस यार आपको ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएंगे, इस पर क्लिक करोगे, कलर भी आप लगा सकते हो। तो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओके कर दिया। देखिए गाइस यार ये आ चुका है। आपको जितना बड़ा करना है, यहां पे एनिमेशन लगाना है, जैसे आपको एनिमेशन पॉप लगाना है, कुछ भी स्लाइड, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन आ जाएंगे। आप प्रॉब्लम आपको नहीं करना है, बार बार आपको मैं बता रहा हूँ। ओवरले यहाँ से ऐसा भी ऑप्शन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस यार सिंपली आप यहां से इनका यूज कर सकते हो। अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो सिंपली आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। तो गाइस यार अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है हैंड राइटिंग, अगर आपको कोई भी चीज़ को हाईलाइट करना है, जैसे गाइस यार यहां पे ऑप्शन दिया है ये, यहां से आप गोला लगाना चाहते हो, सर्कल लगाना चाहते हो, जैसे मैं सर्कल, तो आप यहां पे कोई भी सर्कल लगा सकते हो ऐसे करके। तो गाइस यार ये भी इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। अगर आप कोई भी ट्यूटोरियल बनाते हो तो आपको इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस यार इसका यूज आप कर सकते हो। अब गाइस मैं बता दूं जो आपका नेक्स्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है भाई ऑडियो। ऑडियो पे आप क्लिक करोगे, आपको जो भी म्यूजिक लगानी है बैकग्राउंड पे, जैसे मैं लगाता हूँ वीडियो पे, आप वैसे ही यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका बैकग्राउंड है। जैसे मैंने ये लगा दिया तो यहाँ से आप सिंपली लग जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब गाइस जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है भाई वो है वॉइस। आप देख सकते हैं ये ऑप्शन दिख रहा है आपको वॉइस, इससे आप वॉइस ओवर कर सकते हो। जैसे मैं भाई बोल रहा हूँ कुछ भी, आप भी यहाँ से बोल के आपका वॉइस ओवर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी आप बोलोगे वीडियो पर रिकॉर्ड हो जाएगा, जैसे मैं इस वीडियो पर वॉइस ओवर करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस यार इतने ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिए हैं, अभी भी काफ़ी ऑप्शन है। लेकिन गाइस यार अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं हर चीज़ आपको सॉल्यूशन में बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं हर चीज़ आपको यहां से वीडियो पे बताने लगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर भी मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वीडियो को एडिट करने में यूज होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। गाइस यार आप जैसे ही वीडियो पे क्लिक करोगे आपको स्ट्रेट ऑडियो का आ जाएगा। इस वीडियो से गाइस यार अगर आपको आपकी जो बैकग्राउंड की नॉइस है या फिर जो भी आपको बैकग्राउंड से हटाना है तो आप यहां से एक्स्ट्रेट ऑडियो कर दोगे तो यहां से हट जाएगी और सिंपली आपको इसको इस ऑडियो पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। अब गाइस मैं बता दूं एक सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको आपकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती है, अगर आप सोचते हो भाई मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है मैं किसी और की आवाज़ डाल दूं, तो आप यहां से वीडियो के ऑडियो को भी चेंज कर सकते हो। आप यहां पे ऑडियो पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन मिल जाता है वॉइस चेंजर। तो गाइस यार वॉइस चेंजर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे किट का एक ऑप्शन आता है गाइस यार, अगर आप किट कर दे तो काफ़ी शानदार लगती है। तो गाइस यार सिंपली आप यहाँ पे किट कर सकते हो।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइस यार, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस यार मैं समझता हूँ मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन थे मैंने सारे कवर कर दिए। गाइस यार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर इस वीडियो से आपको कोई भी बेनिफिट होता है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और भाई यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यार मेरा चैनल न्यू है तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइस यार होप करता हूँ मैं आपकी हेल्प कर पाया। अगर गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती जस्ट आप भाई कमेंट करें, आपको सिंपली मैं हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको दे दूंगा भाई, पर्सनली भी दे दूंगा, मैं इंस्टा लिंक दे दूंगा आपको, टेलीग्राम चैनल दे दूंगा। अगर आपको ये वाला कुछ भी आपको पूछना है तो आप सिंपली यहां से मुझसे पूछ सकते हो। तो गाइस यार आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं, थैंक यू।